गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर नाइन लीनियर इक्वेशन। अज असी चैप्टर नाइन लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज करनी है 9.2। फर्स्ट सम सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। हुण नीचे सानू इक्वेशन दिती है, वो इक्वेशन असी सॉल्व करके अपने आंसर नू वेरीफाई करना वा। फर्स्ट इक्वेशन आ साडे कोल एक्स प्लस 3 इक्वल 45। हुण असी इहनू किस तरह सॉल्व करांगे? फर्स्ट सम नू एक्स प्लस 3 इक्वल 45। हुण एक्स एज इट इज़ लिखांगे, इक्वल टू द साइन प्लस 3 साडा लैफ्ट हैंड साइड ते आ, जदों आपां इहनू राइट हैंड साइड ते खड़ांगे ते प्लस तों ने किहड़ा साइन हो जाणा? नैगेटिव दा। 45 इत्थे 3 प्लस दा वा, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस द 3। हूँ 45 चो 3 माइनस किए तो साढ़े को किन्ने आए? 42। एक्स साढ़े को कि आ गया? 42। सैकेंड सम साढ़े को 2x इक्वल 48। हूँ असी 2x इक्वल 48 नू सॉल्व करांगे। 2x इक्वल 48, एक्स एज इट इज़ आ, हूँ 2x दे नाल मल्टीप्लाई चा। हूँ जदों असी राइट हैंड साइड करांगे, जिहड़ा साइन साडे कोल मल्टीप्लाई च हुंदा वह की आ जांदा? डिवाइड दे विच आ गया। हुण असी 2 नू डिवाइड करना 48 दे नाल। 2 1 2 2 2 4 2 4 8, एक्स साडे कोल किन्ना आ गया? 24। थर्ड सम आ साडे कोल 2x ओवर 5 प्लस 1 इक्वल 6x प्लस 5। हुण असी थर्ड सम नू सॉल्व करांगे। 2x ओवर 5 प्लस 1 इक्वल 6x प्लस 5। हुण 2x ओवर 5 आ, प्लस 1 एज इट इज़ आ। हुण असी की करना? 2x ओवर 5 एज इट इज़ आ प्लस 1। हुण आ 5 नू किहदे नाल असी करांगे? जदों मल्टीप्लाई करांगे 2x ओवर 5 प्लस 1 आ, 1 एज इट इज़ आ, 1 दे नीचे 1 लगाया, इक्वल 6x प्लस 5 एज इट इज़। हुण असी 5 ते 1 दा एलसीएम लिया तो साडे कोल आया 5, 2x एज इट इज़। हुण 5 नू 5 ना, डिनोमीनेटर 5 आ, उहनू एलसीएम 5 ना डिवाइड किया तो साडे कोल किन्ना आया? 1। वह उपर न्यूमीनेटर ना मल्टीप्लाई होएगा 1 प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, 1 नू 5 ना डिवाइड किया 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੁਅਲ 6x ਪਲੱਸ 5। 2x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2x ਪਲੱਸ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਓਵਰ 5 ਇਕੁਅਲ 6x ਪਲੱਸ 5। ਹੁਣ 2x ਪਲੱਸ 5 ਓਵਰ 5 ਆ, ਇਕੁਅਲ ਆ 6x ਪਲੱਸ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2x ਪਲੱਸ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ? क्रॉस मल्टीप्लाई करती 6x प्लस 1 5 के नीचे 1 लगाता तो दोवें की क्रॉस मल्टीप्लाई करती। 2x प्लस 5 नू 1 ना मल्टीप्लाई किया तो 5 नू मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 5। हुण 1 नू 2x ना मल्टीप्लाई करांगे 2x प्लस 1 नू 5 ना मल्टीप्लाई किया 5 इक्वल टू 5। नू 6 ना मल्टीप्लाई किया 30x प्लस 5। नू 5 ना मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को 25। साढ़े को आया 2x प्लस 5 इक्वल 30x प्लस 25। हूँ अं एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड पर लेवेंगे, राइट हैंड साइड से साढ़े को 2x आ। हूँ असी 30x इधर पॉजिटिव का, जो इधर वाली साइड लेवेंगे तो नैगेटिव का 30x आ गया, इक्वल 25 एज इट इज़ आ। हूँ प्लस जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव का, जो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो उन्हें किहड़ा साइन आ जाना? नैगेटिव, माइनस 5 हो गया। हूँ 30 चो 2 माइनस किते 28 नाल आएगा एक्स, वड्डी टर्म नाल माइनस से की आएगा -28x इक्वल 25 चो 5 माइनस किते तो साढ़े को आया 20। हूँ एक्स एज इट इज़ रखांगे 20 ओवर मल्टीप्लाई चा इधर 28, जो अगली साइड जाएगा तो की आएगा? डिवाइड चाहेगा 28, माइनस लगी एक्स नाल। हूँ इन्हों दोनों दी कटिंग करनी है, 2 1 2
टू फोर द एट, टू वन द टू जीरो एज इट इज़, टू फाइव द टेन, टू सैवन द फोर्टीन। हुण एक्स की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आया, फाइव ओवर सैवन। तो हुण एक्स दे नाल माइनस सी, जो असी इक्वल करके लिखांगे एक्स इक्वल माइनस फाइव ओवर सैवन, साडा आंसर कितना आया एक्स इक्वल माइनस फाइव ओवर सैवन। फोर्थ सम, सैवन एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस टू ब्रैकेट क्लोज, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है एट एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ सम नू सॉल्व करांगे, सैवन एक्स एज इट इज़ लिखांगे माइनस, हुण फाइव नू मल्टी ब्रैकेट खोलांगे, फाइव नू मल्टीप्लाई किया एक्स ना, हुण जदों बाहर साढ़े कोल माइनस होवे ते अंदर प्लस होवे, जदों ब्रैकेट असी ओपन करते हाँ तो साइन साढ़े कोल केड़ा हुंदा माइनस दा, फाइव मल्टीप्लाई टू इक्वल्स टू एट एक्स एज इट इज़ माइनस थ्री ने मल्टीप्लाई किया एक्स ना, हुण अंदर साइन माइनस दा, बाहर भी माइनस आ, माइनस आ बाहर वाली साइड माइनस आ, ब्रैकेट खोली तो अंदर की हो गया साढ़े कोल प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन। हुण सैवन एक्स एज इट इज़ आ, फाइव नू एक्स ना मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स माइनस, फाइव नू टू ना मल्टीप्लाई किया टेन इक्वल एट एक्स एज इट इज़ आ, थ्री नू एक्स ना मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स प्लस, थ्री नू वन ना किया, थ्री नू वन ना मल्टीप्लाई किया थ्री। हुण सैवन एक्स इक माइनस फाइव एक्स आ, हुण सैवन चो फाइव माइनस किते टू नाल की आएगा एक्स माइनस टेन इक्वल एट एक्स चो थ्री एक्स माइनस करांगे, एट चो थ्री माइनस किते फाइव एक्स प्लस थ्री। हुण एक्स एक्स वाली साइड एक साइड ते लिखांगे, ते पॉजिटिव वाले जिहड़े कॉन्सटेंट वाले है एक साइड ते लिखांगे टू एक्स एज इट इज़ आ। हुण फाइव एक्स पॉजिटिव दा लैफ्ट हैंड साइड ते आएगा, की आएगा नैगेटिव फाइव एक्स इक्वल थ्री पॉजिटिव द राइट हैंड साइड पर। हुण टेन जिहड़ा नैगेटिव द वा लैफ्ट हैंड साइड पर, जदों राइट हैंड साइड से लियावांगे तो प्लस आएगा टेन। हुण फाइव चो टू माइनस किए तो साढ़े को आया थ्री एक्स, फाइव वड्डी टर्म आ नाल केड़ा साइन आया माइनस का, टेन च थ्री प्लस किए तो साढ़े को कितना आएगा थर्टीन। हुण एक्स एज इट इज़ आ, थर्टीन लिखिया ओवर थ्री मल्टीप्लाई द एक्स नाल आ, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो ओवर चाहेगा थर्टीन ओवर थ्री, एक्स किन्ना माइनस द एक्स इक्वल माइनस थर्टीन ओवर थ्री साडा आंसर। सैकेंड सम साढ़े को कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सोल्यूशन टू द गिवन लीनियर इक्वेशन। नीचे साढ़े नू एक टेबल गिवन आ, फस्ट सम आ थ्री वाई इक्वल ट्वेंटी फोर, फस्ट सम आ वाई द वैल्यूज़ गिवन आ फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन। हुण नीचे दिता थ्री वाई, हुण टर्न वाइज सब तो पहले असं की करांगे थ्री नू मल्टीप्लाई करना, वाई की पहली वैल्यू किनी फोर, थ्री फोर द ट्वेल्व। सेम नैक्सट विच की करांगे थ्री मल्टीप्लाई किन्नी वैल्यू हुण वाई दी फाइव, थ्री फाइव द फिफ्टीन। नैक्सट सेम आ थ्री मल्टीप्लाई किया वाई की वैल्यू हुण किन्नी साढ़े कोल सिक्स, थ्री सिक्स द एटीन, थ्री नू मल्टीप्लाई किया हुण नैक्सट वैल्यू आ सैवन, थ्री सैवन द ट्वेंटी वन, थ्री नू मल्टीप्लाई किया एट ना, हुण वाई की वैल्यू किन्नी फिल करांगे एट, थ्री एट द ट्वेंटी फोर। नैक्सट वैल्यू थ्री नू मल्टीप्लाई किया वाई की वैल्यू नाइन, थ्री नाइन द ट्वेंटी सैवन, थ्री नू मल्टीप्लाई किया हुण वाई की वैल्यू साढ़े कोल टेन ना, थ्री टेन द थर्टी। हुण फस्ट पार्ट स्टेटमेंट साढ़े कोल की सी इक्वेशन थ्री वाई इक्वल ट्वेंटी फोर, इनू किस तरह सोल्व करांगे थ्री मल्टीप्लाई वाई इक्वल ट्वेंटी फोर आ। हुण वाई एज इट इज़ आ, थ्री मल्टीप्लाई नाल आ, जदों राइट हैंड साइड लिखांगे तो इन्हें आ जाना ओवर च, थ्री वन द थ्री, थ्री एट द ट्वेंटी फोर। वाई की वैल्यू साढ़े कोल किन्नी गिवन आई वाई इक्वल एट, वाई की वैल्यू आई वाई इक्वल एट।
सब तो पहले असी टेबल जिहड़ी वैल्यू गिवन होएगी वह देखनी, नीचे जिहड़ा दित्ता होएगा हुण वाई इट मीनस मल्टीप्लाई आ। वारी वारी पहले फोर फिल किया, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सैवन, एट, नाइन, टेन वैल्यूज़ फिल कीतियां। फिर उपर वाली जिहड़ी सानू स्टेटमेंट गिवन हुंदी आ, थ्री वाई इक्वल 24, थ्री मल्टीप्लाई वाई दे नाल इक्वल आ 24 दे, फिर थ्री नू ओवर च लै गए, थ्री नू डिवाइड किया 24 ना, तो वाई की वैल्यू किन्नी आई साढ़े कोल 8। थर्ड समा साढ़े कोल ए नंबर एडेड टू इट्स टू थर्ड इज इक्वल टू 35। सब तो पहले असी एक नंबर नू ऐड करना, फिर की करना टू थर्ड जिहड़ा उहदा पार्ट आ किहदे इक्वल करना 35 दे, ते फाइंड द नंबर। हुण असी की करांगे, सब तो पहले तो असी जिहड़ा नंबर ऐड करना उहनू लैट करांगे, लिखांगे लैट ए एडिड नंबर, एडिड नंबर बी एक्स, एड नंबर की कीता एक्स, हुण असी की कीता टू थर्ड ऑफ द नंबर, टू थर्ड करना उस नंबर का, टू थर्ड ऑफ ए नंबर, टू थर्ड का मतलब हुंदा टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई कीता केड़ा नंबर आ, ऐड कीता ही एक्स, किन्ना आया टू एक्स ओवर थ्री। हुण असी की करना इन्हां दोनों नू जिहड़ा असी ऐड कीता ते टू थर्ड ऑफ नंबर नू किहदे इक्वल करना वा 35 दे, सो की लिखांगे एक्स प्लस टू एक्स ओवर थ्री इक्वल 35। हुण असी इन्हू किस तरह सॉल्व करांगे, एक्स सिंपल वन इक्वल टू साढ़े कोल थ्री तो मन एलसीएम लिया थ्री, हुण असी एलसीएम साढ़ा थ्री आ, जो असी वन डिनोमीनेटर आ वन थ्री ने डिवाइड किया तो साढ़े कोल किन्ना आया थ्री, एक्स नू मल्टीप्लाई किया थ्री ना प्लस उपर वाला न्यूमीनेटर टू एक्स आ मल्टीप्लाई थ्री नू थ्री ने डिवाइड किया डिनोमीनेटर थ्री आ एलसीएम साढ़े कोल किन्ना थ्री, थ्री नू थ्री ने डिवाइड किया तो साढ़े कोल आया वन इक्वल टू 35। एक्स नू थ्री ने मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स प्लस टू एक्स नू वन ने मल्टीप्लाई किया टू एक्स ओवर थ्री इक्वल 35। हुण थ्री एक्स प्लस टू एक्स इन्हां दोनों नू प्लस किया साढ़े कोल किन्ना आया 5x ओवर थ्री इक्वल 35। हुण 35 एज इट इज़ आ उहदे नीचे लवावांगे वन, ते की करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव एक्स नू मल्टीप्लाई किया वन दे नाल इक्वल थ्री नू मल्टीप्लाई किया 35 दे नाल, फाइव एक्स नू वन ना मल्टीप्लाई किया तो साढ़े कोल आया 5x इक्वल 35 नू फाइव ना मल्टीप्लाई किया 35 नू थ्री ना मल्टीप्लाई किया साढ़े कोल आया 105, 5x इक्वल आ गया 105। हुण एक्स नाल 5 मल्टीप्लाई चा राइट हैंड साइड खड़ांगे तो की आएगा डिवाइड, ओवर च लिखिया हुण 5 नू असी डिवाइड करना 105 ना, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5 किन्ना आ गया 21। की आ गई किहदी वैल्यू हो गई एक्स दी वैल्यू आई साढ़े कोल एक्स इक्वल 21 साडा आंसर आ। हुण असी नंबर किन्ना फाइंड किया वा 21। एक्सरसाइज 9.2 दे तुहाडे आ होमवर्क आ, फर्स्ट सम दे 5 पार्ट आ जिहड़े मैं तुहानूं पहले वीडियो च करवाए ने बेटा, सम्स नूं पहले ध्यान नाल देखना समझना ते फिर अपने होमवर्क कॉपी ते वाले सम्स नूं कंप्लीट करना। सैकेंड सम आ तुहाडे टेबल वाले जिहड़ी वैल्यू गिवन आ उपर उत्थे एक्स की जगह ते फिल करके तुसीं आंसर सब दा कढ़ना, जिस तरह एक्स वन आ वन फिल करोगे 1 + 4 किन्ना आया 5। हुण एक्स की सैकेंड वैल्यू किन्नी -1, हुण -1 + 4 तुहाडे कोल किन्ना आएगा 3, इस तरह फिल करना। एक्सरसाइज 9.2 तुहाडी होमवर्क कॉपी ते कंप्लीट होनी चाहिए आ।